आपने महत्व दिया, किंतु जो यहाँ पर लोकल है वो लोग बोल रहे कि रेल का गाफिलती है, नेग्लिजेंस है। देखिए जो भी घटना घटी है बहुत ही अप्रिय घटना है, और आप सब देख रहे हैं साइट पे किस तेजी के साथ प्रशासन और रेलवे की टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम कर रही है। मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता इस तरह की घटना हो, घटना घटी, हम सबको थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और इस समय हम सबको चाहिए कि जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उसको अपना काम करने दे। ये बात जरूर है कि घटना बहुत बड़ी है, और कंचन कन्या यहाँ से अपनी नॉर्मल से कम स्पीड पे जा रही थी, और पीछे से जो है मालगाड़ी आ करके पीछे से उसको टक्कर मारी है, और दो पार्सल जो है पीछे के डब्बे और गार्ड का जो रूम होता है वो काफ़ी डैमेज है, और अभी 5 या 6 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है ऐसा जानकारी सामने आ रहा है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और कुछ लोग जो है उनको चोटें आई है, और आप सब देख रहे हैं लगातार 2 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ अपना काम कर रही है, रेलवे की टीम और यहाँ की प्रशासन पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है हम सबको अभी थोड़ा सा उनको ये जो रेस्क्यू का काम है कि बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा नहीं है, उसको काम करने दे। मुझे लगता है हम सबकी प्राथमिकता अभी यही होनी चाहिए, और जो भी घटना घटी है कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है। अब जो भी लापरवाही है नहीं है इसकी जांच होगी, और जांच करके जो उचित कदम होगा वो रेलवे मिनिस्टर उसको उचित कदम उठाएगी, और रेलवे मंत्री की तरफ से भी वो लगातार यहाँ पे जो संपर्क में है, उन्होंने 8:30 बजे ही सारी अपनी टीम को और सारी मेडिकल टीम को रेस्क्यू के स्थान पे उन्होंने भेज दिया था, और ये अप्रिय घटना है, और मेरे आप सबसे दरखास्त है कि एक बार जो काम चल रहा है उसको हम सब लोग मिल करके चलने दें।